दिवाली स्क्वाड कप में आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपने एक अच्छा स्क्वाड बना लिया, स्क्वाड में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स आपने ऐड कर लिए। डायमंड जो है वो सभी को प्यारा है, 50,000 डायमंड सभी को चाहिए। अगर आप एक नए प्लेयर हो तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं पता होगा टूर्नामेंट कैसे खेलना है, कहाँ पे खेलना है, कौन से मोड में खेलना है, टूर्नामेंट के बारे में आपको बहुत कुछ नहीं पता होगा, तो वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा जिससे यहाँ पे जो रिवार्ड है उसको लेने में आसानी होगी। चैनल पर जो कोई भी न्यू आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसी तरीके से वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेगा। तो देखो अगर आपने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि वो सबसे जरूरी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो आपको टूर्नामेंट में नहीं खिलाया जाएगा, मतलब उस दिन आप लोग टूर्नामेंट नहीं खेल सकते। तो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उस पर मैंने वीडियो बना रखा है, मेरे चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। क्या आपने स्क्वाड बना लिया, ठीक है, स्क्वाड बनाकर आप रेडी हो, तो अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे जो मैच है वो आज स्टार्ट नहीं होगा, वो होगा 25 अक्टूबर को। तो 25 अक्टूबर को जब आप गेम लॉग इन करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे मोड्स है, तो कोई दूसरा मोड लगा के अपने जो टीम है अपना जो स्क्वाड है उसको बुला करके कोई दूसरा मोड में गेम मत खेलना, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको क्या करना है, एफएफसी मोड में ही गेम खेलना है। एफएफसी मोड जो 25 अक्टूबर को स्टार्ट हो जाएगा तो उसी दिन आप एफएफसी मोड में गेम स्टार्ट कर लेना। तो आप अपने फ्रेंड्स को कैसे बुलाओगे, तो यहाँ पे देखो फ्रेंड लिस्ट में जितने भी लोग है सबको दिखाया जा रहा है, यहाँ से आप किसी को भी एफएफसी मोड में नहीं ले सकते। यहाँ पे गिल्ड है यहाँ पर भी किसी को भी नहीं ले सकते। यहाँ पे रिसेंट है जहाँ पर जो अनोन बंदा है जिसके साथ आपने गेम खेला है या फिर किसी ने आपको मारा है वो उसको यहाँ पे दिखाया जाता है, तो यहाँ से भी आप किसी को भी नहीं ले सकते। पहली बार आप स्क्वाड कप टूर्नामेंट खेलने जा रहे हो तो आपको नहीं पता होगा, यहाँ पे एक और आता है ऑप्शन, ठीक है, तो वहीं से आप अपने फ्रेंड्स को बुलाना और बुलाने के बाद आप लोग मैच स्टार्ट करना, ठीक है। मैं आपको टोटल 40 मैच खेलना है, 20 भी खेलो, 20 से ऊपर ही आपको खेलना है, लेकिन पूरे 40 खेल लेना। 40 खेलने से फायदा होगा क्योंकि देखो जो जिस मैच में भी आप सबसे ज्यादा स्कोर बनाओगे वो सब काउंट होता जाएगा। तो आपने एक ही दिन में 40 मैच खेल लिया तो आपको रिवार्ड कब मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। रिवार्ड मिलेगा 1 नवंबर को, ठीक है, 1 नवंबर को, 1 नवंबर को सभी को रिवार्ड मिलेगा उनके रैंक के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरीके से टूर्नामेंट खिलाया जाता है, ठीक है। चलो मैं मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।